झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस और झामुमो के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर ही प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस और झामुमो विधायक के साथ ही बीजेपी विधायकों ने भी विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने हत्यारी सरकार वापस जाओ, बालू पत्थर लुटेरी सरकार होश में आओ का नारा लगाया। नारेबाजी के दौरान विपक्ष के नेता बिरंची नारायण ने कहा कि इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार के इशारे पर राज्य के खनिजों को लूटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ रही है। देखिए, हम लोग सरकार के खिलाफ में नहीं बैठे हैं। आज हम लोगों की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, और चुनाव के पहले सब स्टेज पे हम लोगों ने ये घोषणा किया था कि हम लोगों की सरकार बनेगी, जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय नीति है इसको हम लोग लागू करेंगे। और इसके संबंध में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से समय लिया था और सारे दल के हम लोग गए थे और हम लोग बोले थे कि भाई कम से कम जो हम लोग घोषणा किए हैं इसलिए स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को, एक बार मीटिंग करेंगे, दो बार मीटिंग करेंगे, 10 बार मीटिंग करेंगे और इसका फलाफल हल हम लोग निकालेंगे। हम लोग निश्चिंत हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है और इसलिए हम लोग सोचा कि नहीं, जनता के द्वारा हम लोग चुने हुए हैं, सरकार में है तो क्या हुआ, जनता को जो हम लोगों ने वादा किया है इसको हम लोग पूरा करेंगे ताकि स्थानीय नीति को समय के मुताबिक इसको हम लोग स्थानीय नीति बना सके। और इसके बाद जो नियोजन नीति जो बना है ये हम लोगों का मांग है कि नियोजन नीति रद्द हो, स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति रद्द होगा, नया नियोजन नीति आएगा, जो स्थानीय होंगे उसको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।